मनुष्य चेतना एक प्यास है हर चीज जो पुनरुक्त होती है उसे उबा देती है हर चीज जो बार बार रिपीट होती है वो उसे पसंद नहीं आती उसे नित नए की प्यास है चाहे फिर वो ज्ञान ही क्यों ना हो शास्त्रों में एक संस्कृत सुभाषित है जिसका अर्थ इस तरह होता है कि तीन चीज़ें बहुत दुर्लभ है पहली मनुष्य देह दूसरा मुमुक्षत्व मुक्ति की कामना और तीसरा महान पुरुष का आश्रय और उस सुभाषित में यह भी लिखा है कि यदि किसी को ये तीनों ही एक साथ मिल जाए तो ये समझा जाए कि परमात्मा की अनुकंपा हुई है मनुष्य तन भी मिला है और एक प्यास भी मिली है सभी दुखों से मुक्ति की प्यास मुक्त होने की प्यास स्वतंत्र होने की प्यास अधीनता नहीं वरदान है आज और तीसरा किसी महापुरुष का आश्रय जब हो तब यह समझना कि परमात्मा कृपा हुई है और यदि वो महापुरुष स्वयं ही भगवान हो तो, तो नित्य निरंतर प्यास है नए की पुराना उसे उबा देता है पुराने शब्द पुरानी मान्यताएं पुराना ढंग पुराने रीति रिवाज पूरी पुरानी मान्यताएँ पुराना ज्ञान पुराने ज्ञान के वही पुराने शब्द वही बार बार रिपीट होती रही बातें धीरे धीरे उस पर असर कम करती है इसलिए बाबा निरंतर कहते हैं नवीनता खोजो और सबसे बड़ी नवीनता है एक चीज की खोज कल की अव्यक्तवाणी पूरी मुरली का एक बहुत शक्तिशाली महावाक्य अब मैं कौन यह स्वयं जानो कल की अव्यक्त मुरली किसको जानना है स्वयं को अब मैं कौन डैश यह स्वयं जानो मैं कौन का उत्तर मैं आत्मा हूं नहीं है मैं तो खोज है कितने ही मुखोटे ओढ़ रखे हैं इसलिए मैं खो गया है मैं हूं कौन मैं हूं क्या मैं हूं कैसा किधर वही पुराने उत्तर इस प्रश्न के उत्तर में उसे दिए जाए तो कोई परिवर्तन नहीं होता है एक काल्पनिक और झूठी कहानी है काल्पनिक भी और झूठी भी एक व्यक्ति सम्राट बन जाता है राजा बन जाता है सब कुछ है उसके पास सारी सुख सुविधाएं संबंध बहुत अच्छे है घर परिवार बहुत अच्छा है बच्चे बहुत अच्छे पत्नी बहुत अच्छी है दरबारी सब अच्छा है ऐसा कुछ नहीं जो उसके पास नहीं है परंतु फिर भी भीतर से वो दुखी है कैसा अज्ञात सा दुख है पता नहीं एक प्यास है भीतर और जो प्यास उसे दुखी रखती है वो क्यों दुखी है उसे नहीं पता जबकि बाहर की दृष्टि से देखा जाए तो सत्ता है पद है पैसा है संबंध है और क्या चाहिए सब तो है इतना सम्मान है इतनी प्रतिष्ठा है फिर भी दुखी है कोई उसे कहता है कि तुम्हारे ही राज्य के बाहर एक योगी रहता है उससे जाकर मिलो वो योगी की छोटी सी झोपड़ी है और कुछ भी नहीं है वहां परंतु पर राजा जब मिलने जाता है तो देखता है योगी कितना सुखी है कितने खुशी के गीत है इसके पास कुछ भी नहीं है फिर भी जैसे सब कुछ है मेरे पास सब कुछ है फिर भी कुछ भी नहीं है राजा उससे कहता है कि बताए कुछ क्या करूं? पर इससे पहले कि राजा उस योगी तक पहुंचे उस योगी के कुछ शिष्य मिल जाते हैं रास्ते में और वो उन शिष्यों से पूछता है कि तुम्हारे गुरु के पास ऐसा क्या है और वो शिष्य उसे बता देते हैं कि हमारे गुरु अमर है अमरत्व का वरदान उन्हें प्राप्त हो गया है राजा सोचता है शायद इसी वजह से इसकी इतनी कीर्ति है और जैसे ही राजा उस गुरु से मिलता है उस योगी से वो ये कहता है कि आप इतने खुश कैसे और मैं इतना दुखी क्यों? गुरु कहता है क्योंकि मैं अमर हूं वो कहता है मुझे भी राज समझाओ अमर कैसे बने कहता है वेरी सिंपल तुम्हारे राज्य के बाहर राइट साइड में जो पहाड़ी है वहां एक झरना है जाके वहां का पानी पी लो तुम अमर हो जाओगे पर एक बात याद रखना तुम्हें बहुत लोग रोकेंगे तुम रुकना नहीं जरूर पीना क्योंकि तुम्हें अमर होना है और अकेले जाना वहां किसी को लेके मत जाना राजा कहता है मुझे कौन रोकेगा रोक ही नहीं सकता जब मैंने ठान लिया है कि मुझे अमर होना है और पानी पीना है तो मैं पीऊंगा और राजा जाता है अकेला जाता है और झरना है और झरने में अभी पीने ही अलादा होता है पानी तो पीछे से आवाज आती है रुको 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 वो पीछे मुड़ के देखता है कौन रोक रहा है देखता है ढेर सारे बूढ़े लोग हैं वो कहते पानी मत पीना हम भी ऐसे ही आए थे यहां अमर होने और अमर हो गए अब इतने बूढ़े हो रहे पर मर नहीं रहे हम मृत्यु चाहते हैं पर क्या करे कभी चट्टान से नीचे कूद जाते हैं चोटे लगती है पर मरते नहीं बीमारियां हो रही है पर मरते नहीं है शरीर जीर्ण हो रहा है पर मरते नहीं क्योंकि अमर है मृत्यु की भीख मांग रहे हैं परंतु अमर है तथ्य विचारणीय है राजा सोचता है रुकना चाहिए कैस कहीं ऐसी अमरता अगर मिल जाए तो दुख तो और बढ़ जाएंगे वो वापस लौट कर आ जाता है गुरु के पास कहता है कि ये ये हुआ गुरु कहते मैंने कहा था ना तुम रुकना मत पर चलो अगर तुम्हें इसका डर है बूढ़ा होने का ऑप्शन टू राज्य के उस और एक दूसरी भी पहाड़ी है वहां एक झाड़ है उस झाड़ का फल खा लेना तुम चिरायु निरंतर युवा रहोगे फिर युवा रहना फिर जाके पानी पी लेना राजा जाता है उस पहाड़ी के पास पहुंचता है वहां वो झाड़ है और फल खाने वाला होता है फिर भी वही शर्त है कि तुम्हें कोई लोग रोकेंगे पर रुकना नहीं तुमको खाना ही है वो खाने जाता है पीछे से आवाज आती है रुको 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 वो कहता है कौन रोक रहा है तो देखता है बहुत सारे लोग हैं युवा है सारे वो कहते हैं मत खाना माना युवा में बहुत आनंद है पर कब तक उसकी कोई लिमिट सदिया गुजर गई युवा ही है कितने सुख भोगे उप गए हैं कब तो बुढ़ापा आए बुढ़ापा नहीं आता ना मृत्यु आती है तुम मत खाना वो फल राजा लौट आए आगे क्या हुआ पता नहीं कहानी झूठी कोई भी चीज और कितनी भी अच्छी क्यों ना हो वही वही अगर सुनते रहे तो क्या हो जाता है बोर्डम तुम बहुत भाग्यवान हो भाग्य विदाता तुम्हें पढ़ाता है भगवान आया है तुम्हारा बाप बनकर तुम्हारा टीचर बनकर तुम्हारा सदगुरु बनकर तुम बाप हो तुम टीचर तुम हो तुम सदगुरु हो अमृत वेला एक वाक्य बोल दिया योग पूरा हुआ तुम ये भी हो तुम वो भी हो तुम ऐसे भी हो तुम वैसे भी हो तुम ये करते हो तुम वो करते हो इधर हाथ रखा उधर हाथ रखा इधर तिलक इसको सकाश उसको सकाश मैं आत्मा हूँ शांत स्वरूप हूँ प्रेम स्वरूप आनंद स्वरूप हूँ शक्ति स्वरूप गुण स्वरूप हूँ मुझसे शांति की किरणें फैली है और मैं मास्टर सर्वशक्तिवान भी हूँ मुरलियों की पूरी मुरली रट रटली है मुरलिया कि, किसी किसी को पूरी याद है फिर भी दुखी है किसी को जरा भी याद नहीं है पर खुश है ऐसे भी है नवीनता, सब कुछ नवीन तो ही आनंद है ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी अर्थात मौज मोहब्बत झूला कल की मुरली मौज से मोहब्बत की जीवन में रहने वाले चलने वाले ये है ब्रह्मा कुमार या कुमारी की परिभाषा वो मोहब्बत वो मौज तभी होगी जब नवीनता होगी हर चीज में नवीनता एक एक शब्द नवीन लगने लगे कि जैसे पहले कभी सुना ही नहीं आज सुबह की साकार मुरली घड़ी घड़ी क्या करो परम धाम को याद करो वाक्य छोटा सा है पर बड़ा पावरफुल है परम धाम को याद करो अर्थात टाइमलेसनेस समय नहीं साउंडलेसनेस यहां की कोई आवाज नहीं कोई मनुष्य नहीं ये शरीर नहीं ना इस शरीर की भूख है ना प्यास है वहां वो अनुभूति वो चेतना मैं हूं घड़ी घड़ी बाप आए हैं तुम्हें दुबन से निकालने की क्या कराने सुबह की साकार मुरली दुबंध से निकालने की क्या कराते है? डैश साधना सुनिए ना मुरली सुबह की क्या कराते हैं साधना हम साधक हैं भगवान साधना सिखा रहे हैं एक टेक्निक सिखा रहे हैं एक विधि सिखा रहे हैं और वो विधि सहज नहीं है अगर सहज होती तो प्रश्न ही नहीं वो कठिन है और जब कठिन विधि सिखाई जाए जो कि असंभव सी लगती है तभी हमारे अंदर की सुप्त चेतनाएं जागृत होती है जो चीज संभव है उसमें चेतना जागृत नहीं होती है जो असंभव सी है संसार के लिए तो असंभव सी बातें है ये सारी जो हमारे लिए यहां सहज है परंतु फिर भी कठिन है कठिन है इसलिए तो इतना समय लग रहा है परंतु कठिन ही चाहिए क्योंकि जब चीज कठिन हो और असंभव हो तभी पोटेंशियल पावर्स जागृत होती है तो बाबा नवीनता सिखाते ये है नई बात आज की साकार मुरली अचानक कहीं बीच में वाक्य आ जाता है कई बार देखा होगा ये है नई बातें यह है गुहे बातें यह है महीन बातें सब नहीं समझ सकते कोई कोई ही समझेगा तो कल की अव्यक्त मुरली की ओर चलते हैं कौन देख रहा है किसको भाग्य विधाता अगर वो भाग्य विधाता है और भाग्य पहले से ही फिक्स्ड है तो पुरुषार्थी क्यों कोई शिष्य अपने गुरु से पूछता है कि क्या व्यक्ति स्वतंत्र है या कर्म के बंधन में है या नियति सत्य है भाग्य सत्य है क्या है मुझे सही सही बताओ पुरुषार्थ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए या नियति बड़ी है नियति में भाग्य में नसीब में जो होगा वो होगा वो गुरु कहते हैं चलो तुमको सिखाता हूँ बताता हूँ समझाता हूँ खड़े हो जाओ खड़ा हो जाता है वो कहते हैं अभी एक पैर ऊपर करो वो अपना दाया पैर ऊपर करता है थोड़ी देर बाद गुरु कहते हैं अब अपना बाया पैर ऊपर करो यह असंभव है जब मैं दाया पैर ऊपर कर चुका हूं तो अब बाया पैर ऊपर कैसे कर सकता हूं गुरु कहते क्यों तुम ही कह रहे थे ना तुम स्वतंत्र हो और एक सूक्ष्म बात यह स्वतंत्रता तुम्हारी थी कि दाया पैर उठाना या बाया पैर उठाना तुमने दाया उठाया ये तुम्हारा निर्णय है यह ड्रामा फिक्स है प्री ऑर्ड फिर भी दो ड्रामा है एक छोटा ड्रामा एक बड़ा ड्रामा छोटा ड्रामा हमारे वश में है हम उसके क्रिएटर है सुबह कितने बजे उठना और नहीं उठना यह हमारे हाथ में मैं क्रिएट करता हूं इसलिए मुरली का महावाक्य है अब मैं कौन यह स्वयं जानो मेरी योग्यता है मेरी पोटेंशियलिटी, पॉसिबिलिटीज कैपेबिलिटीज क्षमताएं योग्यताएं मैं जानता हूं और मुझे उन्हें जगानी है अभी जो चीज असंभव सी लग रही है उसी को ले लेना है अभी जो पुरुषार्थ लगता है जो कभी किया ही नहीं आज तक हमने कभी नहीं किया दूसरों को करते हुए देख रहे हैं कब से पर हमसे नहीं होता ये। वही तो असंभव है उसी असंभव को संभव करना है और आत्मा में वो नियत नियत शक्ति है और जब हम संकल्प करेंगे कि मुझे करना है तब वो शक्तियां जागृत होगी अन्यथा नहीं शौक चाहिए शौक एक धक्का तो कल की मुरली भाग्य पर थी और भाग्य की पांच बातों की हम चर्चा करेंगे पहला भाग्य की स्मृति पहला भाग्य की स्मृति दूसरा भाग्य की लिस्ट तीसरा भाग्य का अनुभव चौथा भाग्य को यूज करो और पांचवा भाग्य के गीत गाओ सारी मुरली में अलग अलग जगह पर ये पांच बातें हैं शुरुआत ही बाबा ने कहा से की है भाग्य विधाता क्या यह भाग्य निरंतर स्मृति में रहता है कौन सा भाग्य स्मृति में रहता है कि तुम्हारा जन्म कहां से हुआ किसने दिया किसने जन्म दिया स्वयं अनादि बाप और आदि ब्रह्मा के द्वारा जन्म है ऐसा जन्म और किसी का भी नहीं है तुम्हारा जन्म ही इतना महान है इसी वाक्य को इसी शब्द को अलग अलग रीति से देखना है संसार में भी लोग जन्म लेते हैं मरते हैं उनके जीवन में कोई लक्ष्य नहीं होता है ऐसे ही आते ऐसे ही चले जाते हमारा जन्म ही इतना महान है न्यू बर्थ नया जन्म है ये द्विज है हम सेकंड बॉर्न इसके लिए इस जन्म में पूर्व जन्म की कोई बातें आनी नहीं चाहिए पूर्व जन्म का देह भान जन्म की काम वासना पूर्ण जन्म की स्मृतियां भोग की विलास की आलस व्यर्थ फीलिंग्स इमोशंस ट्रॉमा, इवेंट्स हैपनिंग्स घटनाएं वारदातें सब कुछ वो उस जन्म का था इस जन्म में वो सब नहीं एक, -एक वाक्य को अलग अलग रीति से देखना है अलग अलग ढंग से समझना है जैसे कोई हाथी को देखता है इंजीनियरिंग इंजीनियर देखेगा तो क्या सोचेगा एक डॉक्टर देखता है तो क्या सोचता है एक नेचर लवर देखता है तो क्या सोचता है उसका मालिक देखता है तो क्या सोचता है छोटे बच्चे देखते हैं तो क्या सोचते हैं अलग अलग सोचते हैं इसके लिए एक ही पॉइंट को अलग अलग दृष्टिकोण से देखना एकांत दृष्टि नहीं अनेकांत दृष्टि अलग अलग दृष्टिकोण से कभी यहाँ खड़े रह के कभी वहाँ खड़े रह के कभी यहाँ से कभी वहाँ से आज सुबह की साकार मुरली मुरली को रिवाइज करो पॉइंट्स निकालो अलग अलग जगह पर निकालना है कभी छत पर बैठ कर कभी बाबा के कमरे में कभी किचन में कभी कार्य करते समय अचानक वो पॉइंट मुरली का मन में लाना है और उस कार्य के साथ उस पॉइंट को जोड़ना है घड़ी घड़ी परमधाम को याद करो नहाते समय पॉइंट याद आ गया वहां याद करके देखो वहां पानी नहीं है, ये तत्व नहीं है कोई और ही तत्व है वहां इन तत्वों से भी आकर्षण नहीं ये देखो, वो देखो, ये स्थान बहुत अच्छा है वो स्थान पर है तो तत्व वो तत्व अलग है तो सबसे पहला भाग्य की स्मृति क्या करो इसको इमर्ज करो मन में प्रत्यक्ष स्वरूप में लाओ स्मृति को यह स्मृति ही विस्मृति हो जाती है इसलिए दुख होता है पीड़ा होती है दर्द होता है विकार में होते हैं विकार आते हैं क्योंकि भूले हुए याद नहीं रहता है विकारों का हमें कोई आकर्षण नहीं है ना ही विकर्म करने की बहुत अच्छी अंदर से कोई प्रेरणा है फिर भी अपने आप विकर्म होते अपने आप विकार आकर्षित करते क्यों क्योंकि मन रिक्त हो जाता है ये विचार हट जाते हैं फिर से मन नीचे खींचा जाता है उसको जन्म जन्म से नीचे जाने की आदत है अभी अभी तक धीरे धीरे आदत डाली है ऊपर चढ़ने की पर आदत उसकी कौन सी है नीचे बहने की इसलिए वो फिर से अपनी आदत पर आ जाता है इसके लिए मन को समझना है कैसे कार्य करता है वो कैसे छलता है छलावा उसका अभी अभी कितने श्रेष्ठ विचार और थोड़ी देर के बाद नेगेटिविटी से भर जाता है फिर पॉजिटिविटी फिर नेगेटिविटी फिर पॉजिटिविटी फिर नेगेटिविटी खेल चलते रहता है मन के इसी स्वभाव को समझना ये हो क्या रहा है इसलिए बाबा का वहां वाक्य फिर से अब मैं कौन यह स्वयं जानो खुद ही जानो तो पहला है स्मृति तीन स्मृतियां दिलाई यहां पर एक है बाप एक है टीचर एक है सतगुरु और आज सुबह की मुरली साजन और हम है सजनी इसमें प्रॉब्लम क्या है <laughs> आधा वर्षा आप पार्टनर बाप से क्या मिलता है वर्षा अधिकार खजाने और चौथा कल की अव्यक्त मुरली पालना भक्ति में भी कहते हैं वो कौन है पालनहार तो ये स्मृति कि मेरी पालना भगवान के द्वारा हो रही है चाहे मधुवन में रह रहे चाहे घर गृहस्थ में रह रहे चाहे ऑफिस में काम कर रहे संसार में इस सृष्टि पर कहीं पर भी है मेरी पालना कौन कर रहा है भगवान परमात्म पालना सबसे बड़ी कौन सी है श्रीमत यही उसकी पालना है यह संकल्प भी कितना अच्छा है कि मेरी पालना यज्ञ से हो रही है मेरी पालना भगवान के द्वारा हो रही है मेरे हर काम वो करता है हां जब हम नाफरमान बरदार बनते हैं नाफरमानी करते हैं तब आजमाइशें आती है तब परीक्षाएं आती है बहुत ज़्यादा। और जब आए जीवन में तो समझ ना कहीं ना कहीं कोई ना कोई श्रीमत को हमने तोड़ा है इसीलिए ये अचानक पेपर आ गया तो भगवान के द्वारा क्या बाप के द्वारा वर्षा अधिकार खजाने और पालना मेरी पालना उसके द्वारा हो रही है वाक्य बड़ा पावरफुल है किसी मनुष्य के द्वारा नहीं इसलिए किसी मनुष्य से मुझे कुछ नहीं चाहिए अधीनता नहीं वरदान है ना अधीन नहीं होंगे वो जो हीरो धारी है किसी बात में भी अधीन नहीं ना अमृत वेले में किसी के अधीन ना मुरली में किसी के अधीन ना दिनचर्या में किसी के अधीन स्वतंत्र हर बात में स्वतंत्र किसी व्यक्ति को अपना सहारा बना के रख देना तो दुख होगा कोई कितना भी कहे कितना भी कि मेरे सब कुछ तुम ही और तुम्हारे लिए मैं सब कुछ कर सकता हूं कर सकती हूं क्या करोगे हुँ? कोई आके कहे कि मुझे बड़ा अकेला अकेला लगता है तुम चाहिए तो क्या करोगे Hmm? ज्ञानी 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 कह रहा है अज्ञानी नहीं कोई ज्ञानी ही आके कहे कि हम दोनों साथ साथ चलते हैं क्या करोगे नेक्स्ट स्टेप ब्लॉक रिजेक्ट अनसब्सक्राइब अनफ्रेंड ये मार्ग अकेले का ही है यहां कोई किसी का साथी नहीं जब तक ये भ्रम नहीं टूटता कि ये मेरा साथी है और वो मेरी साथी मेरे साथ है और हम सत पुरुषार्थ करेंगे ये भ्रम है इसको फोन करके इसको अपनी सारी बातें सुनाता हूं सुनाती हूं तो अच्छा लगता है बोझ हल्का होता है हल्का होता नहीं भारी होता है और क्योंकि मनुष्यों का कोई भी भरोसा नहीं है हम सोचे हम अपनी सारी बातें उनको सुना दे इसको सुना दे किसी का भी भरोसा नहीं इसके लिए अकेले का मार्ग है अकेले ही चलना है हां कुछ लोग साथी है पर उन साथियों में भी मोह ना हो एक बार विदेशियों की क्लास चालू थी तो हमने कहा मुरली ना डिस्कशन करना चाहिए तो एक बहन ने उठ के पूछा अगर जिससे डिस्कशन कर रहे उसी से मोह हो गया तो <laughs> डिस्कशन बंद <laughs> खुद ही करो स्मृति तो बाप की ये चार स्मृतियां टीचर की स्मृति पढ़ाई श्रेष्ठ पढ़ाई सहज पढ़ाई और पढ़ाई का श्रेष्ठ लक्ष्य और लक्ष्य क्या पद सबसे ऊँचा पद द्वापर से जितने पद हैं संसार में मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर डायरेक्टर चेयरमैन उन सब से ये पद पद सबसे बड़ा है और इस पद से क्या मिलता है कमाई उदाहरण और दिया आगे कौन सा उदाहरण दिया हाल और चाल का और कौन सा उदाहरण दिया वो जो मूर्तियाँ होती है वो नकली होती है जड़ चित्र फिर भी झुकते हैं उसके आगे और तुम कौन हो चैतन्य में देव देविया हो सारा खेल मेंटल प्रोग्रामिंग है इधर यहाँ प्रोग्रामिंग करनी है कहीं बैठकर कुछ करने की आवश्यकता नहीं दिन रात अंदर ही अंदर यह रटना कि मैं दिव्य चेतना हूं दिव्य आत्मा हूं इसको सबकॉन्शियस तक ले जाना है डीप ताकि वो स्मृति निरंतर रहे कितनी बार कौन पढ़ रहा है कितने बजे अमृत वेला उठ रहा है क्या कर रहा है यह सब सेकेंडरी मेन पुरुषार्थ है दिन रात अंदर स्मृति सतत स्मृति सतत जागरण पढ़ाई तो टीचर क्या करता है पढ़ाता है बाबा से एक बहुत अच्छा संबंध जो हमें बहुत अच्छा लगता है वो है कि वो मेरा गाइड है क्या है गाइड जब भी कोई समस्या है परिस्थिति आई तो क्या करना है बाबा से पूछो कि आप गाइड हो इस परिस्थिति में मुझे क्या करना चाहिए बताओ क्या करूं क्या करूं जिससे विकर्म ना हो क्या करूं जो श्रीमत हो क्या करूं जिससे मेरा उद्धार हो गिर गया हूं उठाओ सदगुरु क्या करता है वरदान कौन सा वरदान कौन सा तो नहीं महामंत्र पहले बताओ योगी पवित्र यह सर्व प्राप्तियों का आधार है अगर पवित्रता नहीं तो कुछ भी नहीं योगी जीवन ही नहीं इसके लिए रोज अमृत वेले ये वरदान तो जरूर लेना है कौन सा योगी और पवित्र का पवित्र भाव का और क्या करता है सदगुरु वरदान देता है कौन सा वरदान बहुत सारे वरदान लोगों को एक वरदान मिल जाता था तो उससे ही क्या क्या कर देते थे यहां बहुत सारे मिल रहे हैं और वो भी सहज कीमत होनी चाहिए तुम्हें तीन राज बताएंगे पहला राज एक लाख रुपए भगवान तुम्हारा बाप है <laughs> दूसरा टू लैक्स फर्स्ट डिपॉजिट तब उसका महत्व होगा शायद परंतु ये तो अनमोल है सतगुरु तो ये तीन स्मृतियां संसार में लोग गुरु करते हैं तो गुरु के प्रति कितनी श्रद्धा होती है कितनी भावना होती है चाहे लोग गुरु पर कलंक लगाए फिर भी श्रद्धा भावना टूटती है क्या बिल्कुल नहीं उसी को मानते हैं, कहते हैं गुरु की ये परीक्षाएं है और ये अपने इच्छा से ही वो ये लीला कर रहे हैं। गुरु जेल में है फिर भी उनकी लीला चालू है तो नवीनता संबंध वही है पर उसको रूटीन नहीं बना देना है तुम बाप और टीचर और सब गुरु किस भावना से जाते थे राजा लोग गुरुओं के पास कि बताओ क्या किया जाए ये समस्या है कैसे इससे बाहर निकले टीचर वो गाइड है टीच करेगा सिखाएगा पढ़ाएगा टीच मी मुझे नहीं पता क्योंकि हम सब इतने अनुभवी नहीं है जीवन विशाल है विराट है नए नए अनुभव आते रहते हैं। कई बार शायद हमारी दिशा ही गलत है स्वामी रामतीर्थ कहीं जा रहे थे विदेश में तो देखा एक व्यक्ति खड़ा है और वो दरवाजे पर खटखट कर रहा है स्वामी रामतीर्थ उससे कहते एक मिनट रुको तो सही जरा देखो तो उसमें क्या लिखा हुआ है उसमें लिखा है पुल पुश नहीं उसमें क्या लिखा है अपनी तरफ खींचो दरवाजे को वो वैसे खुलेगा पुश करने से नहीं खुलेगा देखना हर समस्या के ऊपर उत्तर लिखा हुआ है हमें देखना है उत्तर कहां और कैसे लिखा हुआ है तो पहली चीज है स्मृति की भाग्य की भाग्य का क्या करना है भाग्य को स्मृति में रखना है तो ये तीन भाग्य दूसरा बताया भाग्य की लिस्ट निकालो और उसको कहां रखो डायरी में डायरी में टाइप करो फिर उसका पीडीएफ बनाओ और सब ग्रुप्स में सबको शेयर कर दो और खुद भूल जाओ यहां भाग्य का सितारा चमके भाग्य की लकीर तुम्हारे ब्रुकटी में चमके तो लिस्ट निकालना अर्थात तो वही लिस्ट नहीं नहीं वही 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 नहीं कल अमृत वेले सब अपनी नई लिस्ट निकालेंगे छोटे से छोटी लिस्ट जो चीज जो हमने कभी जीवन की देखी ही नहीं पर वो एक भाग्य है जो मिला और जितना मन सूक्ष्म होता जाएगा और जितना परम धाम की स्थिति में स्थित होकर यह लिस्ट निकालेगा और सूक्ष्मता तक पहुंचेगा सूक्ष्म से सूक्ष्मतर और सूक्ष्मतर से सूक्ष्मतम की यात्रा है अध्यात्म जितना मन बारीक और सूक्ष्म और महीन होता जाएगा ज्ञान की वही पॉइंट जीवन में हो रही परिस्थितियां वही परिस्थितियां एक नए ढंग से समझ में आएगी हम जानेंगे तो क्या करना है भाग्य की लिस्ट निकालनी है और लिस्ट मन में निकालनी है लिखना नहीं मन में निकालो क्योंकि लिखते ही हमारा टेम्पटेशन होता है इसको अभी अच्छा सा फेयर करूं फिर उसको सबको बताऊं और सबको भेजू ज्ञान के कुछ राज हमें अपने तक ही रखने हैं गहरे अनुभव के लिए तुरंत उसको रिवील नहीं करना है अभी अभी अमृत वेला कोई अनुभव हुआ ब्राह्मणों की क्या आदत है तुरंत बताएंगे कि आज सुबह मुझे बाबा ने एकदम गहरा अनुभव कराया फिर अगले दिन नहीं होगा वेट उस अनुभव को अपने अंदर संभालो तुरंत मुझे कोई मदद मिल गई वेट मिली ना कहीं भागी तो नहीं जा रही है ना और वो अतीत हो गया अभी पास्ट हो गया वेट तुरंत अनुभव हुआ और तुरंत सुनाना उसकी पावर कम हो जाती है दूसरा लिस्ट तो कल सुबह अमृत वेला सभी क्या करेंगे मन में ही लिस्ट निकालेंगे और एक नवीन लिस्ट निकालेंगे जो आज तक नहीं निकाली एक नया पॉइंट हो जिसमें नहीं तो हमारी लिस्ट तो बिल्कुल तैयार है अमृत वेला किया फिर मधुबन में आए फिर यहाँ सेवा की फिर ये किया फिर वो किया फिर ब्रह्मा भोजन और वो सब फटाफट फटाफट फड़। लिस्ट निकालने बोलो तो पचास की लिस्ट निकाल लेते हैं सीधा वो नहीं कोई नई लिस्ट एकदम नहीं जिसके बारे में शायद किसी ने अब तक सोचा ही नहीं हमने ही कभी नहीं सोचा ऐसी कोई बात ये सेकंड तीसरा भाग्य को यूज करो क्या करो यूज करो भाग्य अर्थात खजाना उसको यूज करो कितनी बार उसी मुरली में कहा है यूज करो यूज करो यूज करो कैसे यूज करें प्रैक्टिकल में लाओ एक राजा था उसके तीन बेटे थे सबने सुना होगा शायद सिंपल है बट बड़ा गहरा अर्थ है उसमें राज्य देना है किसको दे गुरु से पूछता है गुरु कहता है ये लो फूलों के बीच तीनों को बांट दो और तुम चले जाओ तीर्थ यात्रा और उनको बोलो कि यात्रा से जब आऊंगा तो यही बीज मुझे वापस चाहिए सेम वो जाता है अपने तीनों बेटों को बीज दे देता है फूलों के पहला सोचता है कि पिताजी ने कहा है सेम बीज मुझे चाहिए तिजोरी के अंदर बंद करके रखता है हवा भी लगना ना पाए क्योंकि सेम बीज एक साल के बाद लौटा के वापस देने हैं चाबी खुद ही रखता है कहीं चोरी ना हो जाए बार बार जाके देखता है बीज ठीक है ना क्योंकि वापस देने हैं दूसरा सोचता है बीज को कहाँ रखे ये बीज को बेच देता हैं और जब पिताजी आने के होंगे तब वापस दूसरे बीज लेके आ जाऊंगा समझ में थोड़ी ना आएगा और तीसरा भी कुछ करता है पिताजी वापस आते पहले से पूछते बीज कहता है खोलता है सब सड़ गए एक साल तक बीज सड़ गए दूसरे को कहता है दूसरा कहता है रुको मैं अभी लेके आता हूं पिताजी कहते हैं अरे वो जो बीज थे उस योगी का स्पर्श हुआ था उन बीजों को तुम जो बीज अब लेके आओगे वो दूसरे होंगे कोई पवित्र आत्मा किसी वस्तु को स्पर्श कर देती है तो वो वस्तु वही नहीं रहती है किसी स्थान पर किसी योगी की दृष्टि पड़ती है फिर वो स्थान वो नहीं रहता है उस योगी का स्पर्श हुआ था उन बीजों को वो थोड़ी ना होंगे तीसरे से कहते तुमने क्या किया बीज कहाँ है वो कहता है चलो साथ में उसके महल के पीछे इतना बड़ा खेत इतना बड़ा बगीचा उसने सारे बो दिए चारों तरफ सुगंध ही सुगंध है बीज का है बीज तो इसके भी नहीं है परंतु वो बीज किस में रूपांतरित हो गए है झाड़ में पेड़ों में उसे एक एक फूल में एक एक झाड़ में पता नहीं कितने अनगिनत बीज है संभावनाएं कितनी है उसी को राज्य मिला मनुष्य चेतना भी एक बीज है इस एक बीज से असंख्य बीजों की उत्पत्ति हो सकती है यदि उसे पल्लवित किया जाए उसे आगे बढ़ाया जाए उसे बंद तिजोरी में रखकर मारना नहीं है ना ही उसे बेचना है उसे फ्लावरिंग ऑफ कॉन्शियसनेस इसलिए सुबह मैं जो था और अभी जो हूं क्या इसमें डिफरेंस है इसी मुरली में बाबा ने कहा है, व्यर्थ फीलिंग से परे हो जाओ फीलिंग प्रूफ सुबह कोई कुछ कहता है मुझे और मैं दुखी हो जाता हूं शाम को वही व्यक्ति फिर कहता है क्या मैं भी दुखी हूं अगर अब भी हूं तो कुछ भी नहीं सीखा फिर बीज बीज ही सड़ रहा है रादर ज्यादा दुखी है व्यक्ति गलती करते हैं बाबा से माफी मांगते हैं पर हर बार पहली गलती से बड़ी गलती करते हैं। यह भी एक आदत है और नई वाली करते जिसकी साइज भी बड़ी होती है और शेप भी बड़ा तो खजानों को क्या करना है यूज कैसे ज्ञान के खजाने को कैसे यूज करेंगे ज्ञान मुख से निकलता रहे आज क्या कहा ज्ञान क्या है बारूद गोले बॉम तो फेंकते रहो इधर उधर <laughs> हमारे मुख से ज्ञान निकलता रहे तो क्या होगा ज्ञान के संस्कार यहां पक्के होंगे बाबा से बच्चे कहते बाबा हमें ज्ञान तो समझ में आए पर हमको बोलने नहीं आता है सिखाने नहीं आता है दूसरों को इसका अर्थ बाप कहते तुमने समझा ही नहीं है अगर कोई ना मिले तो आईना तो है अपने आप को सुनाओ पेड़ है झाड़ है पौधे है किसी को भी सुनाओ ज्ञान बहुत रमणीक है और बहुत सूक्ष्म भी है वाक्य वाक्य में शक्ति है पर उस गहराई में पेनेट्रेट करना है यदि ये ज्ञान दुख विमुक्ति का मार्ग है तो मेरे जीवन के दुख मुक्त क्यों नहीं गए अब तक सब कुछ पता है ड्रामा का एक एक रास पता है एक एक पॉइंट पर एक एक घंटा क्लास करा सकता है हर व्यक्ति फिर भी दुख से मुक्त क्यों नहीं है दुख से मुक्त कैसे हो इस टॉपिक पर भी क्लास करा सकते हैं पर फिर भी दुख से मुक्त नहीं है कुछ तो है दैट इज मिसिंग इसलिए बाबा का महावाक्य फिर से अब मैं कौन यह स्वयं जानो सबको जान लिया है अपने आप को छोड़कर तो ज्ञान को यूज करना है ज्ञान को फिर उसके बाद में खुशी को ब्राह्मणों का काम क्या है खुश रहना खुशी बांटना यूज करो उसको अपने तक ही नहीं रखो ज्ञान गुण गुणों को बांटो शक्तियों को बांटो कोई कला हमारे पास है कोई स्किल हमारे पास है कोई कोई अपनी कला को दूसरों को नहीं सिखाते क्यों डर लगता है कहीं मेरे से आगे ना चला जाए इसलिए मैं अपनी कला पर कुंडली मार कर बैठूंगा किसी को नहीं बताऊंगा मेरी स्किल है मेरी निपुणता है प्रवीणता मेरी इसमें है दूसरों को नहीं सिखाऊंगा जो हमें आता है हमें दूसरों को सिखाते जाना है अगर विलिंग है तो वो चाहते हैं सीखना तो सबको सिखा देना है और जो हमने सीखा उसके प्रति अहंकार भी ना हो फिर एक मेडिकल फील्ड का उदाहरण है समुन्दर का तट है और एक व्यक्ति डूबता है एक छोटी बच्ची और उसको पकड़ के लाते वो बेहोश है तो एक युवक आता है वो कहता है मुझे पता है मुझे पता है सब हटो बाजू में वो सीपीआर पता है सीपीआर किया जाता है सीपीआर अर्थात चेस्ट में कॉम्प्रेशन किया जाता है ताकि हार्ट जो बंद हो गया फिर से चालू हो जाए वो कहता है हटो सब मुझे आता है और वो करने लगता है तो वहां एक बूढ़ा सा व्यक्ति होता है तो वो देखते रहता है वो करना जा, जाने वाला था पर वो उसको भी हटा देता है तुम हटो और वो खुद करता है और वो बच्ची होश में आ जाती है तो देखता है खुश होता है देखा मैंने बचा दिया ना और सबकी तरफ देखता है सब लोग उसको शाबाशी देते हैं वा, वाह वाह बहुत अच्छा बहुत अच्छा और थोड़ी देर के बाद वही व्यक्ति जिसने बचाया था वो खुद ही बेहोश हो जाता है धूप से और जब उसकी आँख खुलती है तो एम्बुलेंस में और वो जो बूढ़ा व्यक्ति था उसकी पल्स पर हाथ रखे हुए है उसने उसको बचाया था तो वो पूछता है आग खुलती है बोलते है, मैं कहाँ बोलते एम्बुलेंस तो बोलते आप डॉक्टर हो तो बूढ़ा व्यक्ति कहते हैं हाँ ये तो डॉक्टर भी नहीं था फिर भी उसको हटा दिया था तो वो कहता है कि फिर आपने तब क्यों नहीं बताया वो कहता है उस समय मैं डॉक्टर हूं या ना ये इम्पोर्टेंट नहीं था वो बच्ची को बचाना इम्पोर्टेंस था इम्पोर्टेंट था और वो तुम कर रहे थे इसलिए मैं हट गया मैंने किया ये इंपॉर्टेंस नहीं है कहा ना सेवा और योग याद और सेवा डबल लॉक याद कौन सी शक्तिशाली और सेवा कैसी निस्वार्थ सेवा कर दी और भूल गए याद ही नहीं सेवा करते जाओ और भूलते जाओ निष्काम कुछ भी किया निष्काम तो खजानों को क्या करना है यूज हमारे अंदर जो कला है जो स्किल्स है वो दूसरों को सिखाते जाना है अगर सामने वाला सीखना चाहता है तो जबरदस्ती नहीं सिखाना किसी को नहीं <laughs> तो भाग जाएंगे <laughs> हम दिखते ही वो उधर <laughs> उसको पता है ये अब सिखाएगा इससे पहले कि ये सिखाए भागो टीचर से इसलिए इसलिए तो डरते हैं बच्चे चौथा भाग्य का अनुभव करो बाप जितना तुम्हारा भाग्य देखते हो उतना तुम कम अनुभव करते हो बाबा ने सर्टिफिकेट दिया है जितना तुम्हारा भाग्य मैं देखता हूं तुम उससे कम अनुभव करते हो अनुभव करना अर्थात क्या एक्सपीरियंस उसके लिए चाहिए एकांत उसके लिए चाहिए मौन उसके लिए चाहिए अंतर्मुक्ता अगर कोई छुट्टी का दिन हो उस दिन संपूर्ण साइलेंस में चले जाना है सुबह से लेकर रात तक डिजिटल साइलेंस नो no कांटेक्ट एकांत में किसी का भी मनुष्य आते ही डिस्टरबेंस चालू होता है बोलचाल होती है बातें होती है दो व्यक्तियों के बीच कभी छुट्टी अगर मिले तो एकांत में चले जाना किसी गार्डन में किसी प्राकृतिक स्थान में कहीं पर भी और अलग अलग पॉइंट्स ज्ञान की लाना है चिंतन करना है अनुभव करने का प्रयत्न करना है मैं आत्मा हूं बस यही तो सबसे बड़ा अनुभव है इसका कहां अनुभव हुआ है अभी शरीर 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 दिन रात शरीर शरीर को खिलाओ पिलाओ क्या चाहिए शरीर को आज सुबह की मुरली दो रोटी दो चपाती बस तुम्हारा खर्चा बहुत कम है बहुत कम है या बहुत ज्यादा टू मच ब्रैकेट में जितना कम उतना ज्यादा द लेस इज मोर अध्यात्म में तो क्या करना है अनुभव एकांत में बैठो कुटिया में बैठो हिस्ट्री हॉल में बैठो कमरे में बैठो शांति स्तंभ पर बैठो आंगन में बैठो मेरे ओम शांति भवन में बैठो कहीं पर भी बैठो और अचानक एक पल के लिए अनुभव करना कि यहाँ कोई भी नहीं है मैं हूं केवल ये लाइट का बना हुआ है सब कुछ ये मधुबन लाइट का बना हुआ है ओम शांति भवन लाइट का बना हुआ है लाइट की दीवारें है लाइट का ट्रांसलाइट है लाइट के पेड़ है लाइट के पत्ते हैं लाइट की जमीन है लाइट का छत है सब लाइट 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 और मैं भी लाइट लाइट का भोजन लाइट की थाली लाइट का हाथ लाइट का पानी लाइट का ग्लास लाइट का माइक लाइट की सब्जी <laughs> सब कुछ लाइट एक पल के लिए यह अनुभव दिस इज वर्ल्ड ऑफ लाइट आई एम लाइट आई डोंट नीड एनीथिंग बट लाइट मुझे लाइट के अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं चाहिए उस आंगन में बैठो और अनुभव ये सब कैसा दिव्य है सूक्ष्म वतन है ये अनुभव और लास्ट भाग्य को क्या करो के गीत गाओ भाग्य के क्या करो गीत गाओ ये जीवन ही इसके लिए है कर लेंगे देख लेंगे हो जाएगा ये नहीं अभी इसी समय संपूर्णता का अनुभव अभी हो अभी खुद को होगा तो औरों को होगा विश्व को होगा संबंध संपर्क वालों को होगा नाउ तो लास्ट पॉइंट भाग्य का क्या करो गीत गाओ और यह गीत कब बंद हो जाता है जब संडे की मुरली संडे की मुरली कौन से संडे की जैसे पता नहीं कितने दिन गुजर गए कल वाले संडे की यह पूरी नहीं होती तो नहीं आ जाती है जब माया आ जाती है तो माया क्या करती है सबसे पहले अकेला करती है और फिर आक्रमण करती है माया को जान लेना रावण जो है जैसा है उसे जानना बाप जो है जैसा है जानना कठिन है और रावण जो है जैसा है जानना वो महाकठिन है बाप को जानना आसान है फिर भी पर माया को जान लेना ये बहुत कठिन है क्योंकि बाप अपना परिचय खुद ही देता है माया अपना परिचय नहीं देती है बाप एक एक चीज बताता है मैं ये हूं मैं वो हूं माया ऐसा नहीं रादर माया तो छिप के आती है पता ही नहीं चलने देती है झूठ सत्य का भेष पहन कर आता है सत्य असत्य दोनों निकल पड़े थे ऊपर से धरती पर आए नहाने गए कपड़े बाहर रखे असत्य पहले निकल गया सत्य का ड्रेस पहन लिया और धरती पर घूम रहा है तब से किसका ड्रेस पहन के सत्य का <laughs> और असत्य चौथा उसके पास तो अभी क्या करे उसको जो ड्रेस मिल गया वो पहन रहा है वो चिल्ला चिल्ला के कहता है कि मैं सत्य हूं लोग कहते हैं झूठे जाओ एक्सचेंज ऑफ ड्रेस हो गया है तो क्या करो के गीत गाओ और उसके लिए बाबा ने क्या कहा लॉक लगा दो कौन सा डबल लॉक सेवा में बिजी रहना है वो भी निस्वार्थ सेवा वो हो गया तो योग वो भी शक्तिशाली बस ये दो ही करते रहो तीसरा कुछ हो ही नहीं सेवा योग योग सेवा सेवा योग निर्विघ्न रहना निर्विघ्न बनाना यही यथार्थ योग और यथार्थ सेवा तो भाग्य की पांच बातें हमने देखी भाग्य की स्मृति भाग्य की लिस्ट तीसरा भाग्य को यूज करो भाग्य का अनुभव करो और चौथा भाग्य के गीत गाओ ऐसे कैसे गीत गाने वाली आत्माओं को ऐसे हीरो पाठधारी आत्माओं को ऐसे अब मैं कौन स्वयं जानने वाली आत्माओं को ऐसे निर्विघ्न रहने वाली निर्विघ्न बनाने वाली आत्माओं को ऐसे फीलिंग प्रूफ आत्माओं को की फीलिंग से परे रहने वाली आत्माओं को ऐसे प्रसन्न चित्त रहने वाली आत्माओं को ऐसे बेफिक्र बादशाह आत्माओं को ऐसे आज सुबह की मुरली ऐसे 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 दो रोटी खाके तृप्त रहने वाली आत्माओं को ऐसे ऐसे अधिकारी आत्माओं को ऐसे भाग्यवान आत्माओं को परमात्मा पालना में पलने वाली आत्माओं को ऐसे वरदानी आत्माओं को ऐसे कौन सा महामंत्र है योगी भव पवित्र भव का वरदान सदा अपने साथ रखने वाली आत्माओं को ऐसे आत्माओ ऐसे पढ़ाई पढ़ने वाली आत्माओं को पढ़ाई को रिवाइज करने वाली आत्माओं को पंद्रह दिन के बाद भी रिवाइज करो तो रिफ्रेश हो जाओगे टेप का सुना हुआ ऐसे हुँ? नोट करने वाली आत्माओं को और ऐसे घड़ी घड़ी परमधाम को याद करने वाली आत्माओं को ऐसे अपनी स्किल दूसरों को सिखाने वाली आत्माओं को सारी या थोड़ी कंप्लीट <laughs> ऐसे ऐसे और कोई पॉइंट झूले झूलने वाली आत्माओं को मोहब्बत में रहने वाली आत्माओं को मौज में रहने वाली आत्माओं को ऐसे मजबूरी नहीं मजबूरी से नहीं स्वतः ऐसे खुशी बांटने वाली आत्माओं को खुश रहने वाली आत्माओं को तो मुरली से ढेर सारे समान एक एक पिक करना है सोचना है एकांत में जाना है मौन में जाना है चिंतन करना है उसको अंदर ही अंदर उतारना है तो नवीनता आएगी तो ऐसी नवीनता लाने वाली आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार गुड नाइट और नमस्ते हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड नाइट और नमस्ते